हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने डेटा को एक एक्सेल फाइल में पीएचपी में। सो ये देखिए, यहाँ पे क्या है कि हमने एक ग्रिड बनाया हुआ है, टेबल बनाई हुई है, जहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वो हमारा डेटाबेस से आ रहा है। सो इसके लिए मैंने एक यूट्यूब नाम का डेटाबेस बनाया हुआ है, जिसमें मेरी एक स्टूडेंट नाम की टेबल है, जिसमें नेम है, सिटी है और ईमेल आईडी है। अभी ये जो डेटा है वो हमारा यहाँ टेबल में आ रहा है। सो इसके लिए मैंने सिंपल एक काम किया हुआ है, यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप का मेरे पास टेबल है, मैंने SQL क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट की, स्टूडेंट से डेटा निकाला और इसे वाइल लूप में वाइल लूप यूज़ करके ये डेटा को मैंने यहाँ पे शो करा दिया। अभी देखिए, हमें ये करना है कि जैसे ही आप ये एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करें, क्या होना चाहिए, ये जो हमारा डेटा है ये सारा का सारा डेटा हमारा एक्सेल की फाइल में डाउनलोड हो जाना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये बटन है इसके क्लिक पे href, इसको हम रिडायरेक्ट कर देते हैं export.php पे और इसे हम बंद कर देते हैं। और इसी के साथ एक काम करते हैं, मैं एक फाइल बना लेता हूं यहां पे export.php के लिए। एक क्विकली हमने यहां पे फाइल बना ली export.php के लिए। तो इस फाइल में एक काम करते हैं, सबसे पहले हम डेटाबेस की क्वेरी को डेटाबेस को इंक्लूड करा लेते हैं। डेटाबेस को इंक्लूड कराने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें सबसे पहले जो हमारा ये टेबल है, स्टूडेंट हमारी जो टेबल है, यहाँ का सारा डेटा हम यहाँ पे रिट्राइव कर लेते हैं। और हम एक काम कर लेते हैं, एक हमारा वेरिएबल बना लेते हैं। लेट से हमने एक HTML नाम का वेरिएबल बना लिया और ये वेरिएबल में हम हमारा टेबल डाल लेते हैं। ये हमने टेबल ले लिया, इसको TR ले लिया और यहाँ पे हम हमारी हेडिंग डाल लेते हैं। सब पहला देखिए हमारा है नेम, इसके बाद है हमारा यहाँ पे सिटी और सिटी के बाद है हमारा यहाँ पे ईमेल। और एक काम कर देते हैं, इसको यहाँ प्रिंट भी करा लेते हैं जिससे हमें आउटपुट हमारा बराबर दिखता रहे। तो अभी एक काम करते हैं, मैं एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे आउटपुट आ गया। ये एक्चुअली सॉरी TR यहाँ पे क्लोज नहीं होना चाहिए था, ये सब एक ही लाइन में होगा। देखिए तो ये हमारी रो आ गई यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, एक यहाँ पे वाइल लूप चला लेते हैं। हमने ऑलरेडी वाइल लूप यहाँ पे बनाया था और हम यहाँ पे वाइल लूप एक बना लेते हैं और क्या करते हैं, जो हमारा डेटा था उसको यहाँ पे HTML के अंदर डाल देते हैं। इसको कॉन्केटिनेट कर लेते हैं यहाँ पे, इस टेबल को हम हटा देते हैं और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा $ROW, यहाँ आ जाएगा नेम और इसी को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे सिटी आ गया और यहाँ पे ईमेल आ गया। कॉन्केटिनेट हमारा चल रहा है बराबर और यहाँ पे हम एक काम करेंगे, जो हमारा टेबल था उसको क्लोज कर देते हैं। एक बार देख लेते हैं, देखिए परफेक्ट जो हमारा डेटा था यहाँ पे आ गया है। अभी देखिए आपका डेटा तो यहाँ पे आ गया, अभी क्या करना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा कि ये जो HTML नाम की टेबल बनी है इसको एक्सेल में डाउनलोड कर दो। उसके लिए हमें एक हेडर टैग का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि हम कौन से कॉन्टेंट टाइप पे इसको डाउनलोड कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम डाल देंगे कॉन्टेंट टाइप। और कंटेंट टाइप जो है हमारा यहाँ पे वो है application/XLS, यानी कि एक्सेल फाइल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके बाद हम ये बोलेंगे कि फोर्सफुली जो ये हमारा .html है, यानी कि जितना भी ये इस HTML के वेरिएबल में डेटा है फोर्सफुली उसको डाउनलोड कर दें। इसके लिए हम लिखें कंटेंट डिस पोजिशन और इसके आगे हम यहाँ पे लिख देंगे अटैचमेंट, डिस्पोजिशन attachment अटैचमेंट। और यहां पे हम दे देंगे फाइल का नाम कि जब ये डाउनलोड होगा तो किस नाम से डाउनलोड होनी चाहिए फाइल। तो लेट से हम यहां डाल देते हैं report.xls। देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ, हमने हमारा डेटा रिट्राइव किया, टेबल में हमने डेटा को डाला
और हमने यहाँ पे पहले बताया कि XLS की फॉर्म में हमें चाहिए, और यहाँ से हमने बोला फोर्सफुली हमारा डेटा डाउनलोड हो जाए. सो एक बार इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रीलोड करते हैं और क्लिक करते हैं. देखिए आपका ये जो फाइल था यहाँ पे डाउनलोड हो गया. एक बार हम इस पर क्लिक करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं. ये देखिए आपका जो डेटा था वो यहाँ पे एक्सेल फाइल में आपका आ गया. तो देखिए कितना सिंपल काम है इसको कन्वर्ट कॉल करना. जो मेन कहानी है आपकी, जो मेन लॉजिक लग रहा है वो यहाँ पे ये दो लाइनों में लग रहा है. मैं एक बार आपको फिर से दो लाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ. सबसे पहले आपको ये बताना है कि आपका कॉन्टेंट टाइप क्या था. हमने बोला हमारा जो कॉन्टेंट टाइप है वो एक्सेल है. इसके बाद आपने इस लाइन के थ्रू क्या किया, फोर्सफुली जो आपका डेटा था उसे डाउनलोड करा दिया. और यहाँ पे आपने बोला कि इसे एज अ अटैचमेंट की फॉर्म में डाउनलोड करो, और यहाँ पे आपने आपका फाइल नेम दे दिया, और यही फाइल में आपका जो फाइल था वो डाउनलोड हो गया. सो फ्रेंड बहुत ही इजी तरीका है जो मैंने आपको बताया है. नॉर्मली अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि आप इसके लिए एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं. डेफिनेटली आप अगर चाहो तो एक्सटर्नल लाइब्रेरी को भी यूज़ कर सकते हो. और अगर आपके पास ज़्यादा डेटा नहीं है, थोड़ा सा ही डेटा है आपको पता है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप बिना किसी लाइब्रेरी के उसे सिंपल यहाँ पे ये दो लाइनों की हेल्प से एग्जीक्यूट कर सकते हैं. कंटेंट टाइप और आपको कंटेंट डिस्पोजिशन की हेल्प से आप इस चीज को अचीव कर सकते हैं. फ्रेंड्स आज के वीडियो को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं. आपका अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप नहीं समझ पाए हैं मेरे यहाँ पे एक्सप्लेन करने के बाद भी, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दीजिए अपनी प्रॉब्लम के साथ. मैं डेफिनेटली उसको रिजॉल्व करूँगा. और अगर आप एक सोर्स कोड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू.